सक्सेस स्टोरी है। एंड आज मेरे साथ है शिवेंद्र प्रताप सिंह, ही इज कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन। एंड अभी शिवेंद्र क्वाइन स्विच कुबेर में अपनी कंपनी सेक्रेटरी की मैंडेटरी इंटर्नशिप कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने TMF ग्रुप में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है। सो ये स्टोरी ऑल CS कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इसके अलावा जो स्टूडेंट CMA कर रहे हैं या फिर CA कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लॉ के सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो शिवेंद्र अपने ट्रिक्स बताएंगे जो उन्होंने कंपनी सेक्रेटरी में यूज किया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट्स कंपनी सेक्रेटरी में लॉ से रिलेटेड है एंड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं, जिसको आप फॉलो करके अपने CMA एंड CA के एग्जाम क्लियर कर सकते हो। सो हाय शिवेंद्र, कैसे हो आप? Hey, hi, Rohan. So first of all, Rohan, thank you for having me here. Welcome. मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत अच्छा लगा आपने मुझे ये मौका दिया ताकि लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करने का, और साथ में लोगों को कुछ हेल्प करने का, सो दैट दे कैन क्लियर देयर लॉ एग्जाम्स। सो बेसिकली स्पेशली अगर आप मतलब CMA में क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ज़्यादा है, तो बच्चे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं। एंड आप ऑलरेडी CS हो, तो CS में इतने मैंने देखा खुद भी, CS का लॉ का सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, तो आप अपने ट्रिप से बच्चों को हेल्प कर सकते हो। सो हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा होता है कि आप कॉमर्स से आपने 12th में क्वालिफाई किया, 12th के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आपने CS एज ए करियर क्यों चूज किया, क्या ऑब्जेक्टिव रहा होगा उस समय आपको CS चूज करने का? तो रोहन, 12th पास करके बेसिकली हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, तो सबसे टॉप के ऑप्शंस होते हैं CS, CA एंड CMA। तो बेसिकली मुझे इतना नॉलेज नहीं था ना CS के बारे में, ना ही CA और CMA के बारे में। तो जो हमारे कॉमर्स के टीचर थे क्लास 12th में, सो उन्होंने कहीं एडवर्टीजमेंट देखी थी न्यूज़पेपर में अबाउट CS क्या होता है, CS कैसे, मतलब CS की पढ़ाई कैसे करते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, CS क्या करता है। तो सबसे पहले, और आई वॉज वेरी गुड इन थ्योरी इन क्लास 12th एंड 11th, एंड तो उन्होंने मुझे सबसे पहले CS सजेस्ट किया था कि यू कैन गो फॉर CS, तुम CS कर सकते हो, तुम ट्राई करो एक बार क्या होता है उसके बारे में पता करो। तो वहां से मुझे बेसिक आइडिया मिला CS के बारे में, थोड़ा वहां से इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ। देन फिर मैंने थोड़ा उसके बारे में रिसर्च करी, मेरी कजन सिस्टर है, मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया CS इज गुड। उस टाइम पे CS के बारे में जहां से मैं बिलोंग करता हूँ लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि CS क्या होता है, क्योंकि बहुत ही नई चीज थी CS। लोग CS बोलो तो लोग सिर्फ CS कंप्यूटर साइंस ही समझते थे उस टाइम पे। तो फिर वहां से थोड़ा रिसर्च करा, थोड़ा पता करा CS क्या होता है, CS की पढ़ाई कैसे होती है, CS क्या करता है बेसिकली। तो वहां से फिर मेरा इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ। मुझे थ्योरी में और लॉ में पहले से भी इंटरेस्ट था, मुझे लॉ पढ़ने में बहुत मजा आता है। मैं मतलब मुझे आप लॉ मुझे 24 घंटे दे दो, आई कैन रीड लॉ 24/7, मैं पढ़ सकता हूँ लॉ, मुझे लॉ पढ़ने में। तो वहां से थोड़ा CS के बारे में इंटरेस्ट मेरा क्रिएट हुआ। मेरा एक और फ्रेंड है 12th में, ही वॉज गुड इन प्रैक्टिकल, तो मेरे फॉर्मर टीचर ने मुझे CS सजेस्ट किया, उसे CA सजेस्ट किया, तो ही इज नाउ अ CA एंड आई एम अ CS। तो हमने साथ में ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी CS और उसने CA की, एंड देन फिर वहां से धीरे धीरे हमने पता करा फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल लेवल, एंड देन वहां से वो शुरू हुआ। तो आपने जब अपनी CS जर्नी स्टार्ट की, तो आपने फिर आपने मतलब अपने होम टाउन से कंप्लीट किया, या फिर आप दिल्ली या फिर किसी और मेट्रो सिटी में आप मूव ऑन हुए थे CS करने के लिए? मैं बेसिकली बहुत ही स्मॉल टाउन से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी CS के लिए, कि उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल नहीं थी CS फील्ड में 2014 में। उस टाइम पे इतना सारी क्लासेस फिजिकली ही होती थी, तो वहां से निकल के फिर मैं दिल्ली आया सीधा। वहां भी दिल्ली आने के बाद मेरा कोई ऐसा जान पहचान नहीं था जो CS कर रहा हो या CS करता हो, तो गूगल पे ही पता करके फिर मैं और मेरे फादर, हम पटेल नगर में आए, प्रसाद नगर में हमारा NIRC का ऑफिस है, हम वहां पे गए ऑफिस पे। वहां पे हमने जाके थोड़ा वो CS का फाउंडेशन का जो कैटलॉग होता है वो लिया वहां से, फिर वहां से मैंने फाउंडेशन में अपना एडमिशन लिया, एंड देन फिर क्लासेस के लिए हमने पता करना शुरू किया। तो फिर उसके लिए भी धीरे धीरे पटेल नगर में और टेली में लक्ष्मी नगर में, वहां पे फिर धीरे धीरे क्लासेस ज्वाइन करा, और फिर वहां से वो शुरू हुआ।
तो जब आप सीएस कर रहे थे, यहाँ पे भी 3 लेवल्स होते हैं, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल, तो आपको चैलेंजेस कहीं पे आए हो अपने सीएस जर्नी के दौरान? सबसे पहला चैलेंज तो मेरा इंग्लिश का था, क्योंकि मैंने 12th पूरा हिंदी मीडियम से किया है, यूपी बोर्ड से। तो शुरुआत की, धीरे धीरे कोशिश करी, वहाँ पे थोड़ा उसको सुधारा, अपने आप अपने इंग्लिश को सुधार थोड़ा सुधारा। उसके बाद चैलेंजेज बेसिकली पहले तो क्लासेस खोजने में आई कि बेसिकली क्लासेस कहाँ से करें, क्योंकि एक अच्छा टीचर मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है अगर पहले से कुछ पता नहीं है। तो मैंने बहुत सारी ट्रायल क्लासेस करी, मतलब अलग अलग टीचर्स के पास। फिर फाउंडेशन स्टार्ट करा, फाउंडेशन फाउंडेशन पास हो गया। फाउंडेशन में इतनी मुश्किलें नहीं आई। जो मेन सीएस की जर्नी स्टार्ट होती है वो सेकंड लेवल एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट होती है। वहाँ पे आपके पास 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैक्सिमम सारे लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो फिर वहां से भी आपको देखना होता है कि कौन से क्लास के लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर बेस्ट है। क्योंकि फिर क्योंकि जो बेसिक नॉलेज, बेसिक जो होता है, वो आपका स्टार्टिंग में जब आप क्लास करते हो वहीं से बिल्ड होता है, स्पेशली जब आप फाउंडेशन पास करके जब एग्जीक्यूटिव में जाते हो। तो फिर वहां से भी क्लासेस के लिए भटकना शुरू किया। मेरे फाउंडेशन के कुछ फ्रेंड्स थे 6 साथ, फिर हमने साथ में ही क्लास ज्वाइन करी। बट वो भी बाद में, फिर जहाँ पे हमने ज्वाइन करा था वहां पे भी टीचर्स हमारे चेंज होते गए, 2-3 सब्जेक्ट के, मतलब हर एक दो महीने पे टीचर वो चेंज हो गए। तो फिर थोड़ा सा वहाँ पे बेस भी हमारा हिल गया एग्जीक्यूटिव में। तो इस तरह से काफी सारी चीजें फेस करनी तो पड़ी, क्योंकि आप बोलो बोलो। काफी सारी चीजें फेस करनी पड़ी क्योंकि कोई ऐसा बताने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था उस टाइम कि कहाँ से क्लासेस करनी है, कौन से टीचर से क्लासेस करनी है। या ये होता है, ये हर एक प्रोफेशन में होता है, मेरे साथ भी सीएमए के टाइम में हुआ था। तो जब आप सीएस इंस्टीट्यूट में थे तो आपके उसमें कितने अटेम्प्ट्स लगे थे और क्या रीजंस थे इसके अलावा, क्लासेस के अलावा, और आपने उसको कैसे फेस किया और किस तरीके से फिर से आपने प्रिपरेशन करके और एग्जाम क्वालिफाई किया? रोहन, फाउंडेशन तो फाउंडेशन में ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं आए, फाउंडेशन तो मेरा हो गया था क्लियर। एग्जीक्यूटिव में जब हम आते हैं तो हमारे पास 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें टैक्स, काउंट्स एंड बाकी सारे लॉ के पेपर्स होते हैं। तो मुझे लॉ के पेपर में तो कभी कोई मुश्किल नहीं आई, क्योंकि लॉ में मुझे हमेशा से मेरा इंटरेस्ट था और लॉ पढ़ने में मुझे मजा आता था। लॉ में मेरे हमेशा मार्क्स अच्छे आए हैं। एग्जीक्यूटिव में मेरे 7 अटेम्प्ट लगे मुझे एग्जीक्यूटिव क्लियर करने में। तो पहला रीजन था जो मेरा एग्जीक्यूटिव में जो ज्यादा अटेम्प्ट लगे, वो अकाउंट्स और कॉस्टिंग एक पेपर होता है हमारा एग्जीक्यूटिव में। सो मुझे थोड़ा कम इंटरेस्ट है कॉस्टिंग पढ़ने में और अकाउंट्स पढ़ने में। प्लस में जो मैंने क्लासेस भी करी वहां पे भी थोड़ा सा अच्छे टीचर टीचर्स चेंज नहीं होते थे। गए, नहीं मिल पाया, तो बेस तो वहां से हिल गया थोड़ा सा। फिर धीरे धीरे क्या था कि आप एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हो, आपको खुद देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे लैक कर रहा हूँ, मैं मेरी कमी कहाँ पे है। तो आप जब तक उस पर काम नहीं करोगे आप नहीं क्लियर हो सकते एग्जाम। तो धीरे धीरे मैंने उस चीज को आइडेंटिफाई किया कि मैं कहाँ पे लैक कर रहा हूँ, मेरे एग्जाम्स क्यों नहीं क्लियर हो रहे हैं। एक रीजन और भी था स्टार्टिंग में कि जब हम फाउंडेशन से एग्जीक्यूटिव में आते हैं तो बच्चे बहुत जोश में होते हैं। तो वो जोश में होते हैं तो दोनों ग्रुप बिल्कुल ध्यान, दोनों ग्रुप देंगे हम, 8 पेपर देंगे हम, दोनों ग्रुप पास करेंगे एक ही बार में। तो मैं भी उसी जोश में था, उस टाइम पे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। तो उसी जोश जोश में मैंने बोथ ग्रुप दिया, क्योंकि सबकी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर कर पाए उतनी पढ़ाई करके। क्योंकि हमारे पास एग्जाम के टाइम पे गैप भी उतना नहीं होता है, सीएस के एग्जाम्स कंटिन्यूसली होते हैं, कोई गैप नहीं होता सीएस के पेपर्स अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे होते हैं। तो लगातार 8 पेपर देना और उसको रिवाइज करना भी एक बड़ा टास्क होता है। तो पहली गलती तो मुझसे वहां पे हुई थी कि मैंने स्टार्टिंग के 3-4 अटेम्प्ट मैंने बोथ ग्रुप्स दिए, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा मैं ज्यादा जोश में था और उस टाइम पे कोई बताने वाला भी नहीं था। बाद में मुझे लगा कि नहीं, मुझे सिंगल ग्रुप देना चाहिए, एक एक करके देना चाहिए। फिर मैंने एक एक करके दिया और फिर वो मेरा क्लियर हो गया। अकाउंट्स और कॉस्टिंग में मैं लैक कर रहा था, मेरे वहां पे मार्क्स कम आ रहे थे। तो उसके लिए फिर मैंने कुछ अलग से भी बाद में टीचर से कंसल्ट किया, अलग से गाइडेंस दिया कि कैसे और बेटर कर सकते हैं अकाउंट्स। और मैंने उसमें ज्यादा मेहनत करी कॉस्टिंग और अकाउंट्स में, क्योंकि मैं बेसिकली मैं मेरे जो मार्क्स थे मैं वहीं पे मेरे मार्क्स कम हो रहे थे तो मेरा एग्रीगेट बनना होता था। धीरे धीरे उस पर मेहनत करी, काम करा और फिर वो भी हो क्लियर हो गया। गया। और प्रोफेशनल आपके एग्जाम सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए थे प्रोफेशनल के? यस, प्रोफेशनल मैं जब आया था तो मैंने पहले सोच लिया था बिल्कुल कि मैं 1 बाय 1 दूंगा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देंगे, एक एक ग्रुप आराम से देख के क्लियर करेंगे। और प्रोफेशनल में क्या था, मैंने ये चीज प्रोफेशनल का भी, मेरा जो पहला अटेम्प्ट था वो कोविड की वजह से कैंसिल हो गया था। अच्छा मेरे मेरे साथ मेरे पहला अटेम्प्ट का मेरा हमेशा स्टोरी है। मैंने जब एग्जीक्यूटिव का पहला अटेम्प्ट था
तो उस टाइम पे क्या हुआ, मुझे नहीं पता था, शायद अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, सीएस में एक रूल है कि आप एग्जीक्यूटिव का पेपर देने के लिए आप मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए, यू शुड बी 17 ईयर्स ओल्ड फॉर अपीयरिंग इन एग्जीक्यूटिव पेपर। और मैं 12th यूपी बोर्ड से करके आया था, तो उस टाइम मेरी एज 17 साल से कम थी जब मेरा एग्जीक्यूटिव का अटेम्प्ट था। तो मेरा जो पहला अटेम्प्ट था एग्जीक्यूटिव का, मैं सोच नहीं दे पाया क्योंकि मेरी एज कम थी, तो मेरा एक वो अटेम्प्ट वहां पे पोस्टपोन हो गया था। फिर जब मैं फाइनल में आया, मेरा फाइनल का अटेम्प्ट था जून 2020 का, और मार्च 2020 में कोविड आ गया था, मार्च 2020 में लॉकडाउन हो गया था, तो उसके वजह से मेरा वो फाइनल का भी पहला अटेम्प्ट कैंसिल हो गया था और वो दिसंबर में फिर पोस्टपोन हो गया था। तो मैंने जब मेरा पहला अटेम्प्ट था, उसके पहले मैंने यही चीज सोच रखी थी कि कुछ भी हो जाए, जो भी करना है एग्जाम से पहले कर लो, कि ताकि जब हम पेपर देखे निकले तो हमारे मन में ये ना रहे कि अगर मैंने ये कर लिया होता, तो मैंने अगर ये पढ़ लिया होता, या मैंने अगर इस तरह से इसको प्रिपेयर किया होता तो मेरा पेपर और अच्छा होता। जो करना है आपको, आप पहले ही सोच लो, आप उस लेवल तक सोच लो कि मतलब मुझे फिर वो एग्जाम के बाद वो सोचना ही ना पड़े कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो मेरा पेपर और अच्छा होता। तो उस हिसाब से मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी, मैंने हर तरह से सोचा था कि मैं कैसे और अच्छे से अपना पेपर प्रिपेयर कर सकता हूँ, और मैं कैसे अच्छे से अपीयर हो सकता हूँ, ताकि मुझे बाद में कोई गिल्ट ना हो कि हाँ अगर मैंने थोड़ा और मैंने इस सब्जेक्ट में या इस टॉपिक में थोड़ा और मेहनत करी होती तो मेरा पेपर और अच्छा होता। तो हमारे पास टाइम था, पहले ही टाइम होता है, तो फिर उस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन करा और मैंने एक एक करके दिया फाइनल का, और वो वन बाय वन मेरा क्लियर होता गया होपफुली। होता है, हम अपनी गलतियों से हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो लोग गलतियों से नहीं सीखते वो हमेशा पीछे रह जाते हैं, तो अपने गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। यस, एग्जीक्यूटिव की मैंने जो भी गलतियां थी उसको मैंने पूरा अप्लाई किया फाइनल में, डेफिनेटली। सो हमें एक आप ये बताओ, लॉ के लिए जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लॉ में क्या ऐसे आप ट्रिक्स यूज करते हो जिसकी वजह से आपको लॉ में कभी डर ही नहीं लगा कि लॉ का पेपर भी मेरा डिफिकल्ट या बेकार जाएगा? क्या स्ट्रेटेजी रहती है आपकी लॉ में? लॉ के पेपर में पहले तो जो लॉ का पेपर होता है, मैं तो सबको यही एडवाइस करता हूँ कि पूरा 100 मार्क्स अटेम्प्ट करो, पेपर एक भी नंबर छोड़ के मत आओ लॉ के पेपर में। अगर आपको सपोज आपको कोई आंसर नहीं आता है, तो आपको उस क्वेश्चन के में जिस भी टॉपिक के बारे में पता है आप लिख के आओ, बट आप उसको छोड़ के मत आओ, आप जरूर कुछ ना कुछ लिख के आओ और मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो, थोड़ा आप रिलेटेड ही लिख के आओ, बट जरूर लिख के आओ। दूसरा लॉ में क्या है कि आपकी लॉ की पढ़ेगी आपको, आप रट नहीं सकते लॉ को, आपको लॉजिकली पढ़ना होगा लॉ को। आपको ये सोचना होगा कि अगर ये सेक्शन में जो लिखा है वो क्यों लिखा हुआ है, उसके पीछे क्या स्टोरी होगी, उसका रीजन क्या है। अगर आप उसको लॉजिकली पढ़ोगे तो आपको कभी बोर नहीं होगा लॉ पढ़ने में, आपको मजा आएगा लॉ पढ़ने में। अगर आप उसको रटने लगोगे तो आप रट नहीं सकते लॉ को, लॉ बहुत बड़ा, 470 सेक्शन है कंप्लीट एक्ट में, आप रट नहीं सकते, आप इतना रिकॉल नहीं कर सकते एग्जाम में। आपको वो लॉजिकली अप्लाई करना होगा, आपको सोचना होगा, आप भी पढ़ रहे हो अगर लॉ में तो आपको सोचना होगा कि ये क्यों बना होगा, क्योंकि कोई भी सेक्शन बनता है, कोई भी लॉ बनता है, तो उसके पीछे पूरी स्टोरी होती है, पूरा लॉजिक होता है उसको लॉ को बनाने का। राइट, तो अगर आप लॉजिकली पढ़ोगे लॉ को, आप उसको रटने की कोशिश, मैंने आज तक कभी लॉ रटा नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट को, कोई भी लॉ मैंने कभी रटा नहीं है। आप उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो, 4 times, 5 times, 6 times आप उसको रिवाइज करते रहो। आप थोड़ा सा आप को जो जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे ये सेक्शन समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा उसको डिटेल में उसका एनालिसिस देखो। वहाँ पे एक क्वेश्चन में और भी है, जैसे कि आप भी ऑलरेडी यूपी बोर्ड से थे, आप हिंदी मीडियम से थे, मैं खुद बिहार बोर्ड से था, हिंदी मीडियम से था, तो लॉ के सब्जेक्ट में जब हम लिखने जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं अब सी ए ऑप्ट कर रहे हैं, सी एम ए या फिर सी एस को भी प्रोफेशन ऑप्ट करते हैं, तो हम इंग्लिश मीडियम हम चूज करते हैं, तो हम राइटिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें लॉ में जिससे हमें एक अच्छे मार्क्स मिले? बिकॉज लॉ के पेपर में सब ये कहते हैं लॉ की लैंग्वेज को आपको यूज करना चाहिए, लॉ के वर्ड्स को यूज करना चाहिए, तो उसके पीछे कैसे काम करें? तो रोहन, मुझे लगता है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, राइटिंग प्रैक्टिस आपको एग्जाम के पहले। आप टेस्ट पेपर्स होते हैं, आई थिंक मॉक टेस्ट भी होते हैं बहुत सारे, आपको बहुत सारे आगे मीडियम ऑफिस देने के प्रैक्टिस करने के, तो प्रैक्टिस ही एक मेन जरिया है जहाँ पे आप अपनी राइटिंग स्किल्स को सुधार सकते हो। आप अगर कोई सेक्शन, किसी सेक्शन के बारे में आप लिख रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल बेयर एक्ट लैंग्वेज ही छाप दो वहां पे, क्योंकि वो आप नहीं कर सकते, आप सारे सेक्शन में बेयर एक्ट लैंग्वेज नहीं लिख सकते, बट आपको ये जरूर पता होता है कि हाँ इस सेक्शन में क्या है, इस किस बारे में ये सेक्शन बोलता है। तो आप थोड़ा सा थोड़े बहुत लॉ के वर्ड्स होते हैं जो कि आप अगर आप कॉमनली आप यूज कर सकते हो बहुत सारे आंसर्स में, तो उस पर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप उसको हमेशा, मैं कहता हूँ कि आप एग्जाम में आंसर लिखो हमेशा पॉइंटर्स में लिखो,
पैराग्राफ में मत लिखो क्योंकि पॉइंटर्स में, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसको, उसके लिए आप जितना इजी बनाओगे आंसर्स को पढ़ना उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे। अगर आप उसको पैराग्राफ से लिखोगे बड़ा बड़ा तो फिर जो एग्जामिनर होता है उसको भी जल्दी होती है कॉपी से करने की, वो कोई भी एग्जामिनर पूरा आंसर पढ़ता नहीं है आपको भी पता है। तो आप हमेशा ये सोच के आंसर लिखो कि अगर मैं ये कॉपी चेक कर रहा हूँ तो फिर मेरे लिए कैसे इजी होगा, मतलब अगर मुझे ये कॉपी चेक करनी होगी तो मेरे लिए कैसे इजी होगा इस कॉपी को चेक करना, वो आप सोच के उस हिसाब से अगर आप आंसर्स लिखते हो अपने, आई थिंक बहुत ही इजी होगा। और साथ ही साथ जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो आप अंडरलाइन या हाईलाइट करते जाओ। एग्जामिनर के लिए बेसिकली आप जितना इजी बना सकते हो उसको, और लॉ में तो मतलब क्या है, आपको थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा थोड़ा उसको, अगर आपने एक बार लॉजिक समझ लिया उस सेक्शन के पीछे का तो फिर आपको कभी वो भूलेगा नहीं, और आप इजिली आप थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो पेपर में और उस पर मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप पूरी डायरेक्ट लैंग्वेज छाप के आओगे, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम में डायरेक्ट की लैंग्वेज लिखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने जब अपने सीएस की इंटर्नशिप आपने स्टार्ट की, पहले आपने टीएमएफ ग्रुप में आपने अपनी इंटर्नशिप की थी राइट, तो आपने सीएस की इंटर्नशिप कैसे फाइंड आउट किया? तो बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो सीएस कर रहे होंगे इस वीडियो को देखेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा टिप्स दो, इंटर्नशिप कैसे फाइंड आउट करना है, उसके इंटरव्यू क्वेश्चन कैसे होते हैं, उसका कैसे प्रिपरेशन करना है, वो सारी चीजें। सीएस इंटर्नशिप फाइंड आउट करने के लिए आपको इस टाइम पे तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी फेसबुक हैं, फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि मतलब वैकेंसीज पोस्ट ही करते रहते हैं, डेली वैकेंसीज पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, लिंक्डइन पे, मुझे लगता है कि हमारे प्रोफेशन के लिए बच्चों को लिंक्डइन पे एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, जहाँ पे आप लोग क्या करते हैं कि लिंक्डइन पे पोस्ट कर देते हैं और वो वैकेंसीज कहीं और पोस्ट नहीं होती, डायरेक्टली वहीं से ही वो अप्लाई कर देते हैं। लिंक्डइन पे जो कंपनीज के जो पेजेज होते हैं लिंक्डइन पे, वहाँ पे एक सेक्शन होता है जॉब्स का, बहुत सारी कंपनीज डायरेक्टली वहाँ पे भी वैकेंसीज पोस्ट करती रहती है। प्लस में आप एमसीए से आप ईमेल आईडी निकाल सकते हो, जो भी उस आप टॉप 500 कंपनीज आप फाइंड आउट कर लो कि हाँ मुझे यहाँ आया जाना है, आप एक ईमेल बॉडी बना लो अपना, अच्छा रिज्यूमे बना लो, उसके बाद आप ईमेल आईडी निकाल सकते हो जो भी कंपनी के एक सीएस होंगे या जो भी होंगे, अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसके सीएस का आप ईमेल आईडी आराम से निकाल सकते हो, आप सीधा उनको मेल करो, आप अप्रोच करो, अगर वो सोच भी रहे होंगे कि हाँ हमें एक ट्रेनी हायर करना है तो अगर आप वहाँ, तो वो फिर आपको सबसे पहले वो अप्रोच करेंगे, साथ में आप वैकेंसीज जहाँ भी निकलती हैं वहाँ पे आप अपने रिज्यूमे डालो, आप खुद के बारे में एक छोटा सा बॉडी बना के आप पोस्ट करो हर जगह, फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, दैट माय नेम इज दिस, मुझे ये ट्रेनिंग चाहिए, मैं, मेरा ये लोकेशन है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ट्रेनिंग फाइंड आउट आप कर सकते हो। मुझे टीएमएफ में जो मिला था मैंने फेसबुक के ग्रुप्स में ही पोस्ट किया था कि मेरा ये नाम है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसे ट्रेनिंग चाहिए। मैंने सीएफएम में भी 2.5 साल उसके पहले काम किया था, उसका भी मुझे थोड़ा एडवांटेज मिला ट्रेनिंग फाइंड आउट करने में, क्योंकि कहीं भी आप बड़ी कंपनी हो या कंसल्टेंसी हो, वो चाहते हैं मतलब थोड़ा वो प्रेफर करते हैं कि अगर आपको थोड़ा बहुत आपको काम आता है, अगर आपके 1-2 महीने 3 महीने कहीं पर थोड़ा बहुत सीखा है या आपने कोई कोर्स करा है सर्टिफिकेशन में, टैली में या फिर वर्ड में या एक्सेल में, तो टीएमएफ का मुझे वहां से मिला था, मुझे वहां से अप्रोच हुआ था टीएमएफ का, मैंने फेसबुक ग्रुप्स में पोस्ट करा था एंड उसके बाद से फिर इंटरव्यूज हुए। इंटरव्यूज का क्या होता है, आई थिंक इंटरव्यू के लिए कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, लाइक जो भी रीसेंट अमेंडमेंट्स होते हैं कंपनीज एक्ट के या फिर सेबी के या अदर एक्ट के, जो भी रीसेंट अमेंडमेंट्स होते हैं लास्ट के 2-3 मंथ्स के, उससे आप पूरी तरह अपडेटेड रहो। कंपनीज एक्ट के अमेंडमेंट्स तो आप एमसीए की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन में 1 by 1 वो आता है, तो रीसेंट अमेंडमेंट्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर एक इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पूछता है कि आप रिसेंट अमेंडमेंट बताओ क्या है इस एक्ट में। सेकेंड थिंग आप कर सकते हो कि कुछ जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, जो भी आपके प्रोसेस वाले क्वेश्चन होते हैं, लाइक प्रोसेस ऑफ राइट इशू, प्रोसेस ऑफ बोनस इशू, प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तो ये सब काफी कॉमन क्वेश्चन होते हैं। साथ ही साथ मैं बोलूंगा कि जो बेसिक चीजें होती हैं, जैसे व्हाट इज शेयर से क्या डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट में, बच्चों को नहीं पता होता है। अगर बच्चे हाई फाई पढ़ लेते हैं लेकिन बच्चों को बेसिक नहीं पता होता है, और कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है इंटरव्यूअर और बच्चे वहां पे मतलब नहीं बता पाते उसका आंसर कि शेयर की क्या डेफिनेशन, 2 लाइन की डेफिनेशन है शेयर की कंपनीज एक्ट में, बट बच्चे वो नहीं बता पाते क्योंकि वो पढ़ते नहीं है, वो भूल जाते हैं।
डिबेंचर की क्या डेफिनेशन है, कितने टाइप के शेयर्स होते हैं, कितने टाइप के डिबेंचर्स होते हैं, डिफरेंशियल ऑर्गेनाइज क्या होता है। तो मुझे लगता है कि आप अमेंडमेंट्स पढ़ो, जितने भी हाई लेवल की चीजें पढ़ो, बट साथ ही साथ आप बेसिक्स भी जरूर अपने अच्छे से स्ट्रांग रखो, क्योंकि बेसिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। प्लस में ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बहुत सारे इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू में बोल देता है कि मुझे अगर डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो उसके लिए क्या रेजोल्यूशन पास होगा, आप एक बार मुझे ड्राफ्टिंग करके दिखाओ। तो आपको अपने थोड़े ड्राफ्टिंग पे भी थोड़ा सा काम करना होगा। वो जो कॉमन ड्राफ्टिंग्स होती हैं आपको वो आनी चाहिए, क्योंकि वो मोस्ट वेबली पूछ लेते हैं। अगर आप लिस्टेड कंपनी में अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो लिस्टेड कंपनी में जितने भी लॉज अप्लीकेबल होते हैं, सेबी, ICDR, LODR, एक्सेट्रा, उस पर आपके जितने भी रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं या फिर जितने भी रिसेंट चेंजेस हैं जो भी हैं, वो आपको पता होना चाहिए। थैंक यू। और अगर आप मैं ये भी कहूंगा, आप जिस भी कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, थोड़ा सा उस कंपनी के बारे में रिसर्च कर लो, वो कंपनी क्या करती है, कब से है, उस कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, उस कंपनी का पेड़ कैपिटल कितना है, उस कंपनी आपको MCA से सारी चीजें बड़े आराम से निकल सकती हैं। थोड़ा सा उस कंपनी के बारे में पता करो। उस कंपनी के ऊपर अगर कोई स्पेसिफिक कोई अलग से कोई एक्ट एप्लीकेबल होता है तो उसके बारे में जरूर पढ़ के जाओ कि किसी किसी कंपनी पे कुछ ज्यादा अलग से भी लॉज एप्लीकेबल होते हैं, तो आप उसके बारे में भी जरूर एक बार गोचू करके जाओ। ओके, सो ये सब कुछ आपने ऑलमोस्ट बता दिया है। इसके अलावा कुछ और बच्चों को टिप्स एंड सजेशन अगर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। टिप्स एंड सजेशन मैं यही दूंगा कि मतलब फाउंडेशन के बाद जब बच्चे एग्जीक्यूटिव में आते हैं तो बहुत ही जोश में होते हैं। थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है आपका, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का फाइनल का हो, आपके पास सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप, क्योंकि आप दोस्त में भी होते हो, आपको पढ़ने का अच्छा मन करता है, पहली बार आप दे रहे होते हो, तो मुझे लगता है कि आपको अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरी तरह से झोंक देना चाहिए अपने आप को कि मुझे क्लियर करना है एग्जाम, चाहे जो हो जाए मुझे सेकेंड अटेम्प्ट नहीं लगने देना है। क्योंकि बच्चे क्या मैंने देखा है, फर्स्ट अटेम्प्ट बच्चे आते हैं मौज में रहते हैं, स्पेशली एग्जीक्यूटिव में बच्चे मौज में रहते हैं, बच्चे कहते हैं ठीक है हो जाएगा आराम से पढ़ लेंगे, एक साल का टाइम है क्या दिक्कत है। बट मुझे लगता है कि वो अगर आप एग्जीक्यूटिव में बच्चों में थोड़ी मैच्योरिटी कम होती है, फाइनल में बच्चे फिर भी पहले अटेम्प्ट से पढ़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये लास्ट है और इसे मैं निकाल लूंगा तो मैं CS बन जाऊंगा, आपको दिख रहा होता है सामने। बट एग्जीक्यूटिव में बच्चों को दिख नहीं रहा होता, बच्चे फाउंडेशन से आते हैं, बिल्कुल नए नए CS में आते हैं। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव में आते हो तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, आप ये देख लो एग्जाम में अपीयर होने से पहले आप ये हर तरह से सोच लो कि मतलब कैसे मुझे प्रिपरेशन करनी है, मतलब एग्जाम देने के बाद मेरे मन ये नहीं आना चाहिए कि मुझे यहाँ पे काम करना चाहिए था या मुझे ये भी पढ़ना चाहिए था। अगर आपके मन में ये आता है एग्जाम देने के बाद, इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से प्रिपरेशन नहीं कर रही है, आपने अपना पूरा 100% नहीं दिया है। अगर आप एग्जाम देने के बाद अगर आपके मन में ये चीज आती है तो टेस्ट सीरीज दो। मैं तो सबको बोलता हूँ कि मॉक जो टेस्ट सीरीज होती है आप जरूर सीरीज दो एग्जाम के पहले, बहुत हेल्पफुल होते हैं वो। बहुत सारी अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज हैं जहाँ पे आपको अपनी आपके आंसर्स राइटिंग्स की कमी के बारे में पता चलता है। तो और सेकंड थिंग मैं ये बोलूंगा, लॉ के पेपर में स्पेशली पूरा 100 मार्क्स अटेम्प्ट करो, कुछ मत छोड़ के आओ, ट्राई करो कि पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, क्योंकि आपको मार्क्स मिलते हैं अगर आप थोड़ा बहुत भी लिख के आते हो, क्योंकि एक नंबर भी मैटर करता है CS और CA CMA जैसे पेपर्स में, एक नंबर दो नंबर से भी आप फेल हो जाते हैं। राइट, तो आप कुछ भी छोड़ के मत आओ, आप ट्राई करो पूरा अटेम्प्ट करने का, आप टेस्ट सीरीज दो, आप प्रैक्टिस करो, आप अच्छे से पढ़ाई करो, और बस ये मन में रखो कि मतलब ठीक है सारे मजे बनने के बाद भी कर सकते हैं, जब पढ़ने का टाइम है तो पढ़ाई। बस बिल्कुल सही बोला आपने। होप सो कि स्टूडेंट्स जब इस वीडियो को देख रहे हो तो उनको भी काफी अच्छा लगे और काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा इस वीडियो से। एंड थैंक्स कि आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आए, एंड फिर से मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, बिकॉज मेरा एक और प्लानिंग है कि मैं CS के ऊपर एक काफी अच्छी सी वीडियो बनाऊं जिससे जो भी स्टूडेंट कंपनी सेक्रेटरी को एज ए कैरियर ऑप्ट करना चाहते हैं वो उस वीडियो के बाद जरूर कर सकते हैं। So I will connect you later for this. Thanks. अरे बिल्कुल। तो thank you so much Rohan for inviting me here. Welcome. I hope कि जो भी मैंने बताया वो थोड़ा बहुत helpful हो पाया जो भी बच्चे अभी CS दे रहे हैं या CS। Yeah, definitely मुझे तो लगता है बहुत helpful होगा। And thanks and bye, best of luck for your future and best wishes from my side कि you will achieve all जो भी आप सोच रहे होंगे सब कुछ आपको आपके life में मिले। Thank you, Rohan. Thank you so much. Means a lot. Once again, stop.